आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों के हवाले से SOPs तैयार कर लिए। सूबे में तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें वाजे किया गया कि इंडोर गेम्स, झूले, स्लाइड्स और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा तालीमी इदारों में सेमिनार्स, तकरीनी मुकाबले, खेलों के मुकाबले और टूर्नामेंट मुनाकिद करवाने पर भी पाबंदी आयद रहेगी। नोटिफिकेशन में तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया, जबकि मॉर्निंग असेंबली मुनाकिद करवाने पर भी पाबंदी आयद होगी। तालीमी इदारों की बसों में कुल गुंजाइश का 50%, जबकि हॉस्टल्स की सहूलत के लिए 30% गुंजाइश को ही इस्तेमाल किया जाएगा। तालिब इल्मों और स्टाफ को हाथ धोने का पाबंद किया जाएगा। तमाम तालीमी इदारे साबुन और हैंड सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। ऐलानिये में हिदायत की गई कि तालीमी इदारों में 6 फुट का सामाजिक फासला लाजमी रखा जाएगा। तालिब इल्मों के दूसरे साथियों के साथ हाथ मिलाने पर पाबंदी होगी। स्कूल में दाखिले और छुट्टी के वक्त भी सामाजिक फासला लाजमी करवाया जाएगा।